एक्सेप्शनल ऑफ ऑक्टेट रूल हमने देखा, कुछ ऐसे एटम भी थे जिनके कोवलेंट बांड बनाते हैं लेकिन 8 के बजाय उनके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ 10 हो जाते हैं, 12 हो जाते हैं उनके लास्ट वाले शेल में, ठीक है। इस कारण कोवलेंट बांड को थोड़ा आगे ले जाया गया, ठीक है। नया कंसेप्ट वो तो है ही है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट तो है ही है, वो तो हम करते हैं, आगे और आगे आगे चलते जाएंगे। अब एक नया कंसेप्ट आ गया, ऑर्बिटल कंसेप्ट। ऑर्बिटल पता है आपको? ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल, ये 4 सबशेल होते हैं और उनमें होते हैं ऑर्बिटल। एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? पी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। पी में 3। डी में कितने होते हैं? एफ में कितने होते हैं? और उसी के बेस पे इलेक्ट्रॉन है, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ये आपने किया हुआ है। उसी ऑर्बिटल कंसेप्ट पे हम चलेंगे। ऑर्बिटल कंसेप्ट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 2 साइंटिस्ट थे, लैंडोल्ट और हिटलर। क्या नाम था इनका? हिटलर एक जर्मनी का भी था, बोला आपको है? हाँ, तो वो नहीं हिटलर जिस साइंटिस्ट था। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं। ऑर्बिटल कंसेप्ट है ये क्या कहता है कि बॉन्ड कैसे बनती है, कौन सी बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है। ये कहता है कि ऑर्बिटल जो होते हैं वही ऑर्बिटल कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो हाफ फील्ड होते हैं, वही ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएंगे जो क्या हो गए? हाफ फील्ड। हमें पता है एस में 1 ऑर्बिटल होता है, पी में कितने होते हैं? 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, एफ में क्या होते हैं? हम एस पी के ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास हाफ फील्ड होगा, अगर ऑर्बिटल क्या होगा? हाफ फील्ड होगा, तो वही कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। जो फुली फील्ड होंगे वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जी हम देखेंगे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो हम इनकी आपको एग्जांपल देते हैं 2-4, ठीक है। पहले आप 2 लाइनें लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्मड बाई द पार्शियल ओवरलैप, दूसरे से कंबाइन होना, ठीक है, ऑफ टू हाफ फील्ड, ऑफ टू हाफ हाफ फील्ड ऑफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। स्पिन आपको पता है, स्पिन क्वांटम नंबर, एक क्लॉक वाइज, एक एंटी क्लॉक वाइज, एक ऊपर की तरह इलेक्ट्रॉन करते हैं, एक नीचे की तरह। ये 4 बॉन्डे, मैं 4 एग्जाम्पल आपको दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, पहली फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। H2 मीन हाइड्रोजन। आप बताओ, खड़े हो जाओ, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे? 1s। इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होती है? 1s1। और अगर ऑर्बिटल लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा, यह है s ऑर्बिटल, ऐसे होता ना। कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, दूसरा हाइड्रोजन भी ऐसे ही होगा, और दूसरा हाइड्रोजन भी ऐसे ही होगा। H2 कैसे बनेगा? जब हाइड्रोजन किससे कंबाइन होगा? हाइड्रोजन से कंबाइन होता है तो क्या बनता है? H2 बनता है। ये हम किस में दिखाएंगे? ऑर्बिटल में दिखाएंगे। पहले हमने इलेक्ट्रॉन में दिखाया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, लेकिन वो भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ही पड़ा होता है, ठीक है। ये हम ऑर्बिटल में दिखाएंगे। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे बच्चे? ऑर्बिटल लिखेंगे, 1s1, ये लिखेंगे ऑर्बिटल जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और 1 ऑर्बिटल ये है जिसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास। जब ये क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं आपस में, ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है? कंबाइन होना, और कंबाइन होना पार्शली, पूरा नहीं, पार्शली मीन आधा, पार्शली मीन पार्शली ओवरलैपिंग मीन। ये कहता है कि यार ऐसा करते हैं ये ऑर्बिटल हम कंबाइन हो जाते हैं और ये स्पेस जो है, और देखो कम रख देते हैं, आधी स्पेस हम क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है अपने वो जहाँ रख देते हैं। एक क्लॉक वाइज दिखाना है, क्या दिखाना है? फिर एंटी क्लॉक वाइज, पहले जैसे मर्जी दिखाओ आप। क्यों? क्योंकि जब ये अप्रोच करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन एक क्लॉक वाइज हो जाता है, एक एंटी क्लॉक वाइज हो जाता है, और बस शेयरिंग हो गई शेयरिंग। अब बात वही है, एक इलेक्ट्रॉन इसने रखा, एक इसने रखा, और ये बन गई कौन सी बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड। और ये बन गया H+H बन गया, वही H और H, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। बस इतना लिखना, लिखो।
एफ टू मॉलिक्यूल लेंगे, एफ टू मॉलिक्यूल, एफ टू देखते हैं, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 9 होता है। इलेक्ट्रॉन कंफ्यूजन लगाओ, आउटर मोस्ट वाली 1s वाली छोड़ दो, दूसरी वाली 1s2 तो होता ही होता है, आगे 2s, बोल बोल 1s2 2s और 2s2, आगे कितने आएंगे 2p5, 2p5 को ऐसे लिख दूं बच्चे, कैसे, x के कितने बताए थे मैंने, xyz, और xyz आया याद आपको, 2px, 2py, 2pz, करो 2px, 2py, 2pz, कैसे बांटेंगे, 3 ऑर्बिटल है, कैसे बांटेंगे, पहले एक एक देंगे, फिर दो दो देंगे, दो दो किसके पास आएंगे, ये दो और दो इसके पास कितने आएंगे, एक, और समझाया उन्होंने, 2p5 है ना, 3 बना लो गोले, तो लास्ट वाला एक ही रहेगा, ठीक है, बैठ जाओ। अब देखो फ्लोरीन, पहली फ्लोरीन भी ऐसी होगी, दूसरी फ्लोरीन भी ऐसी होगी, दो फ्लोरीन हमने ज्वाइन करनी है, ठीक है, और दूसरी फ्लोरीन भी सेम ही होगी, ऐसे ही होगा सेम। अब बताओ दूसरी फ्लोरीन भी ऐसे ही है, कौन सा है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड कौन सा है बच्चे, 2pz1, इनमें कोई जे कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, इनमें से जे कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा, ये तो जूझ होता ही नहीं, जे भी लोन पेयर, आपको बताया था हमने हैलोजन पेयर क्या होते हैं, 3 लोन पेयर है ना, बताया था ना, ये लोन पेयर ही रहेंगे, ये ऑर्बिटल थ्योरी लोन पेयर के बारे में कुछ नहीं बोलती, ये सिर्फ बॉन्ड के बारे में बताएगी हमें, तो ये बताएगी कि 2pz इसका और 2pz1 इसका, ये आपस में कंबाइन होंगे, और ठीक है ये आपस में कंबाइन होंगे, बनाएं पी को कैसे बनाते हैं, पी की शेप आपको पता है क्या थी, पी की शेप भाई डंबल थी, और डंबल थी ये pz ही लेंगे हम, ये देखो एक फ्लोरीन का ये हो गया पी, 2pz1 ये बन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डाल दो, प्लस दूसरी फ्लोरीन 2pz ऑफ एफ, 1 फ्लोरीन, ठीक है, दूसरा ले लो 2pz ऑफ सेकंड फ्लोरीन, 2pz1 ऑफ सेकंड फ्लोरीन, फ्लोरीन दो फ्लोरीन है ना, बोलो बोलो, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, आमने सामने रख दिया इनको, रख दिया, सीधा चलूंगा मैं आगे, रख दी सामने, क्या होगा जब ये कंबाइन होंगे, वो कहता है कि बॉन्ड कैसे बनेंगी, जो हाफ फील्ड है वो ही कंबाइन होंगे, और तू ही लगा कुछ इधर, तू उधर बैठ जा, इधर कर कुर्सी अपने, वो चल उधर उधर बैठ, चल उधर 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 उठ, वो उधर बैठ जल्दी, टाइम टाइम वेस्ट नहीं कर, यही रहने दे, चलो ए करो कंबाइन, करो कंबाइन, एक जैसे साइज के बनाने हैं, जो छोटा बड़ा बन गया, और ठीक है ऐसे साइज एक जैसे रखना अपने, ठीक है तकरीबन एक जैसा, मिन के तो नहीं बनाने हैं, ठीक है करें, और 2pz 2pz, बाकी तो बना नहीं सकते बॉन्ड, 2pz 2pz कंबाइन कर दो, ये देखो एक ऐसा दूसरा ये ऐसे, समझाया, ये इलेक्ट्रॉन जब रखे अपने आप ही ये अपोजिट स्पिन के हो जाते हैं, जहाँ जैसे मर्जी शो करो, और ये हो गया फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ऐसे भी कह सकते हो, एफ और एफ, ये एफ और एफ बॉन्ड बन गई, कोवलेंट बॉन्ड बन गई, फ्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है समझाया, बोलो ओ यग, चलो तीसरा करते हैं, आप चलते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल करते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चे, 8, इलेक्ट्रॉन कंफिगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p4, 8 है ना, 2p4, अब इस 2p4 को खोल के लिखेंगे xyz, एक्स 2py 2pz, ठीक है, जहाँ तो 1 1 1, ये 3 हो गया, पेयरिंग हो जाएगी इधर 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz, क्लियर दिख रहा है कि ऑक्सीजन के पास कितने हाफ फील्ड है, 2 है, दूसरी ऑक्सीजन के पास भी ऐसे ही होगा बच्चे, 2py1 2pz1, इट मीन जहाँ से क्लियर दिख रहा है कि ऑक्सीजन दो ही बांडे बना सकती है, ऑक्सीजन दो बांडे बना सकती है, ये वाले नहीं बना सकते, ठीक है, लोन पेयर है बॉन्ड पेयर क्या है ये नहीं हमने देखना, हमने यही बॉन्डे देखनी बस, ठीक है, तो बनाएं, बनाओ पी, पी बनाएंगे, अब पी तीनों शो कर दो, पी क्या करेंगे,
तीनों शो कर देते हैं। ऑक्सीजन के पास तीन पी होते हैं ना, ऐसे बनेंगे। ये हो गया एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस दूसरी ऑक्सीजन, ये दूसरी ऑक्सीजन, आप बताओ किसकी कितने कितने इलेक्ट्रॉन बचे बचो, बोलो। एक पी है ना, एक पी, दो पी, तीन पी, एक है टू पी टू, टू पी एक्स टू, टू पी वाई वन, टू पी जेड वन, टू पी एक्स टू, टू पी वाई वन, टू पी जेड वन, ये रख दो आमने सामने। बॉन्ड सिर्फ जे और जे बना सकता है, जे इसके साथ बनाएगा और जे वाला इसके साथ बनाएगा, और ठीक है जे नीचे भी है ना, जे नीचे भी है इधर। सुनो भाई सुनो, ओए करो कंबाइन, अब करो कंबाइन। ये हो गया इसके साथ, ये एक एक ऑक्सीजन का, ये दूसरी ऑक्सीजन का, इलेक्ट्रॉन जहाँ रख दिए हो गए, पेयर पेयर बन गया। ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो, और सुनो, और ये बांड ऐसे शो कर दो ऐसे, दिस इज बस। हाँ जी ऐसे रहेगी, और ये ऐसे रहेगी। सुनो भाई, ये सामने सामने से ना, ये आमने सामने थे जी, आपस जब इनको कंबाइन किया तो जी आपस में कंबाइन हो गए। अब जे आमने सामने तो नहीं थे ना, जे टेढ़े तो नहीं ना होंगे, जे कंबाइन हो गए साइड वाइज, जे कंबाइन हो गए साइड वाइज। उस तीसरे वाले हमने दिखाई नहीं, हमने सिर्फ हाफ फील्ड दिखाए हैं तो ठीक है, समझाया? हाँ, हमने सिर्फ हाफ फील्ड दिखाया, तीसरे वाले को हमने छेड़ा नहीं, जो हाफ फील्ड है, जहाँ भी आप हाफ फील्ड दिखा सकते हो, 2s2 वाला जो है वो ना नहीं भी दिखाओ तभी चलेगा। और ठीक है, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ आगे, कुछ समझाना चाहता हूँ, इस कारण हम बात कर रहे हैं, ठीक है, समझाया? ऐसे ही नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की भी, नाइट्रोजन की बनाते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है बताए, 7 1s2 2s2 2p x1 2p y1 2p z1। ये देखो एक तरीका और है बनाने का, 1s2 1s2 ये तो हमें लेना ही नहीं है, क्यों नहीं लेना? क्योंकि हीलियम 2s2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, 2s2 2p p के कितने होते हैं बच्चे, 1 2 3 x1 y1 और z1। ये हो गई एक नाइट्रोजन। ऐसे दूसरी नाइट्रोजन के बैलेंस लिखो, दूसरे नाइट्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हैं 2s2 2p x1 2p y1 2p z1। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, गोले बना लो, डब्बे बना लो, जैसे मर्जी बनाओ। जहाँ देखो नाइट्रोजन के पास 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन लेकिन जो बॉन्ड बना सकते हैं वो सिर्फ कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, ये तो बनाएंगे नहीं बॉन्ड, जहाँ से क्लियर हो जाएगा कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन में 3 बॉन्डें बनेंगी। ये देखिए ऐसे कर देना है, ये बॉन्ड बन गई बस, ये हो गया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बीच में कितनी बॉन्डें, 3। और ऐसे ही जहाँ आप दिखा सकते थे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितनी बॉन्डें, 2 डबल बॉन्ड। ऐसे दिखाओ सीधा करके दिखाओ, ठीक है, जैसे मर्जी दिखाओ, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है, और समझाइए ना, ठीक है, हो जाएगा। ये है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, अगर कोई आपने स्ट्रक्चर बनाना है तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलो मैं वाटर का भी बना के दिखाता हूँ आपको, वाटर का HOH ऐसे करेंगे। पहले ऑक्सीजन का लेंगे भाई, ऑक्सीजन का क्या था, 2s 2s2 2p 2p x2 2p y1 2p z1 और ठीक है। ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के पास क्या होता है, 1s1 और हाइड्रोजन के पास क्या होता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्डें बनाएगी, हाइड्रोजन कितनी बॉन्डें बनाएगा, 1। तो वो एक हाइड्रोजन जहाँ जाएगा 1s1 लेके, और एक हाइड्रोजन जहाँ जाएगा, ठीक है, 1s1 लेके, और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा 1s1 लेके, बस बॉन्ड बन गई। ठीक है, जहाँ आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ये देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 2 थे भाई, 2 थे है ना, एक के पास भी, इसके पास भी हाफ फील्ड, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन जहाँ आ गया, एक हाइड्रोजन जहाँ आ गया। ये ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हो, ये है ओवरलैपिंग कंसेप्ट, ये है ओवरलैपिंग कंसेप्ट ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, अगर बैलेंस बॉन्ड की थ्योरी के बेस पे कोई स्ट्रक्चर पूछे तो जैसे आपको सिंपल लगता है, अगर ये वाला देना ऐसे दे सकते हो, अगर सिंपल उस तरीके से देना वो दे सकते हो। ठीक है,
लेकिन जहाँ प्रॉब्लम ये आई, जैसे अभी आपने देखा ऑक्सीजन में हमने जब बनाया आपने, तो कुछ बॉन्ड जो थी, कुछ ऑर्बिटल जो थे वो एंड से एंड मिल जाते थे, लेकिन कुछ क्या था, कुछ साइड में थे, है ना, कुछ क्या थे, साइड वाइज थे। जैसे एस का लिया हमने और एस ये तो एंड टू एंड ओवरलैप हो गई, क्योंकि न्यूक्लियस ये होता है, न्यूक्लियस ये होता है, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस की हो गई एक्सिस अलॉन्ग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ये ओवरलैप हो गए। जब पी वाले को किया, ये देखिए पी वाला पी में तीन होते हैं, पी में तीन होते हैं, ये पी वाले, ये तो एंड टू एंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। और ये देखो ये न्यूक्लियस के एंड एंड टू एंड, ये इसका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, अब ये मिलेंगे एंड टू एंड, नहीं मिलेंगे, ये कैसे मिलेंगे, साइड वाइज। इस कारण उसने कोवलेंट बांड को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, किसमें, दो नाम दे दिए कोवलेंट बांड को, दो कोवलेंट बांड होती हैं, एक को नाम दे दिया सिग्मा बांड और एक को नाम दे दिया पाई बांड। सुना कभी, सिग्मा बांड, सिग्मा और पाई, तो अब हम यही पढ़ेंगे, सिग्मा एंड पाई बांड।